बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज कुकिंग चैनल लखनऊ में लखनऊ की फ़ेमस इदरीस बिरयानी बनेगी, जो कि बहुत ही लजीज़ होती है, बहुत टेस्टी होती है। देखने में जितनी खूबसूरत लगती है, उतनी ही उससे ज़्यादा कहीं खाने में टेस्टी होती है ये, और खुशबू तो ज़बरदस्त होती है इसकी, बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग इसे ज़रूर बनाएँ और बना कर बताएँ आपको ये बिरयानी कैसी लगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उससे आपको और भी अच्छी से अच्छी वीडियोस देखने को मिलेगी। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, उससे आपको हर नई वीडियो का मैसेज सबसे पहले पहुंचेगा। तो व्यूअर्स, आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी रेसिपी समझ में आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लखनऊ की इदरीस फेमस बिरयानी। तो इसके लिए हमने मटन का गोश्त लिया है, ये आधा किलो है, और इसमें लेमू भी डालेंगे। ये देखिए इस तरह से है ये मुठिया, और बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह। और इसमें ये मसाले हम डालेंगे, सौंफ एक चम्मच और एक चम्मच से ज़्यादा धनिया साबुत, और दो तेज़पत्ता, दालचीनी के दो टुकड़े, और छोटी इलायची चार, लौंग तीन, ज़ीरा आधा चम्मच से ज़्यादा, आधा चम्मच काली मिर्च, और एक बादियान फूल, एक बड़ी इलायची। और ये खुशबू के लिए मसाला पीसा जाएगा, इसमें जावित्री एक फूल और जायफल आधा, पांच छह छोटी इलायची, आधा चम्मच से कम ज़ीरा, सियाह ज़ीरा, और लौंग चार पांच, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट दो चम्मच भर के, और एक कटोरी भर के दही लिए, और दो तेज़पत्ते, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी, और तीन लौंग। ये हमें चावल में डालना है। और फ्राई हमने करने के लिए प्याज ली थी स्लाइस करके, तीन बड़े साइज़ की प्याज थी, जो कि आधी हमने क्रश कर ली और आधी हमने ये तेल लगाने के लिए रख ली फ्राई करने के बाद, दोनों आधी आधी कर ली। और अब ये तेल हमने गरम कर लिया कुकर में, और इसमें ये मसाले कुछ खड़े डाल देंगे। अभी सौंफ और ज़ीरा साबुत और ये धनिया साबुत अभी नहीं डालेंगे, वो मसाले भुन जाएंगे उसके बाद डालेंगे आखिर में, पानी जब डाल देंगे। अब ये गोश्त अच्छी तरह से भूनेंगे हम इसे। ये देखिए कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, जो कि अच्छी तरह से उसे भी भूनना है, और फुल फ्लेम पर हमें इसे भूनना है, पानी इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इससे गोश्त की महक फिर आने लगती है, अच्छी नहीं लगती है। और इसे डाल देंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके वो भी डाल देंगे इसमें जो लगा हुआ कटोरे में, ये निकाल लिए हमने, और इसको भूनेंगे अच्छी तरह से, ताकि लहसुन अदरक की भी महक नहीं रहनी चाहिए। और ये सौंफ एक चम्मच, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, और आधा चम्मच धनिया पाउडर, और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये सारे सूखे मसाले ये भी हमने पिसे हुए डाल दिए। अब इसको भी अच्छी तरह से भूनना है हमें, और दही भी डाल दिया, ये भी भूनना है अच्छी तरह से। इसमें पानी डाल के ये भी साफ़ कर लिए कटोरी को अच्छी तरह से, ज़ाया नहीं करना है हमें दही को, किसी चीज़ को भी नहीं करना है हमें ज़ाया, सब चीज़ अच्छी तरह से डाल देनी है निकाल कर। और ये फ्राई की हुई प्याज क्रश करके वो भी डाल देंगे, अब इसमें मिक्स कर देंगे, मसाला भुन गया अच्छी तरह से, उसके बाद डालना है हमें ये मिक्स करके। अब इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा टेस्ट के हिसाब से डालेंगे नमक। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन गया, तभी हमने डाला ये प्याज को, अब इसमें नमक डालेंगे और इसको भी मिला देंगे, और एक मग पानी डालेंगे गलने के लिए, गोश्त अच्छी तरह से गल जाना चाहिए। ये 15 मिनट या 20 मिनट हम इसे पकाएंगे। ये देखिए पानी डाल दिया, अब ये साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा और सौंफ साबुत ये सब डाल देंगे इसमें, और काली मिर्च वो भी डाल देंगे इसमें, और इसे हम फुल फ्लेम पर सीटी आने तक पकाएंगे, उसके बाद हम स्लो कर देंगे फ्लेम को। और ये लेमू डाल दिया पूरा एक, और 15 मिनट बाद हम इसे ऑफ़ कर देंगे फ्लेम को, और फिर से चेक करते हैं ठंडा होने पर हम इसे देखेंगे हो गया कि नहीं हो गया। और अब इधर हम चावल के लिए उबालने के लिए तैयारी कर लेते हैं। ये चावल के लिए पानी हमने चढ़ा दिया, आधा भगोने से ज़्यादा है ये। अब ये तेज़पत्ता, लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी ये सब डाल देंगे, नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे इसमें। और चावल हमने आधा किलो से ज़्यादा लिया है,
वैसे तो बराबर ही डलता है, लेकिन हमने अपने अपने हिसाब से लिया। हमारे यहाँ चावल ज़्यादा पसंद किया जाता है उसके साथ में। और अब ये पकने लगा पानी, तब चावल डाल देंगे। ये 1 घंटा भीगा हुआ चावल है ये। और अब इसमें रिफाइंड ऑयल 1 चम्मच डालकर मिक्स कर देंगे, इससे चावल चिपकेंगे नहीं आपस में। और 50% में इसे पकाना है। और इसे अब चेक कर लेते हैं, देखिए बस 5 मिनट लगेंगे मुश्किल तो इसमें। ये देखिए हमें 80% नहीं पकाना है, सिर्फ 50% पकाना है इसे इसी तरह से। और अब ये गोश्त हमने देख लिया, चेक कर लिया, इसमें गोश्त हो गया अच्छी तरह से, गल गया था कुकर में। और निकाल लिया गोश्त को, पहले उससे पहले हमने इसका वो निकाला, तीरा निकाला, अलग किया, फिर गोश्त निकाला। उसके बाद यखनी हमने छान ली अच्छी तरह से उस छन्ने से। और अब इसमें 1/2 कटोरा दूध डाल दिया, यानी 250 ग्राम से कम है ये दूध। और इसको मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा हम शक्कर डालेंगे, वो भी 1 चम्मच डालेंगे, छोटा चम्मच है। और उससे पहले हमें येलो फूड कलर डालेंगे, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा बिरयानी में, बहुत टेस्टी बिरयानी तैयार होगी और खुशबूदार तैयार होगी। ये देखिए इस तरह से 1 चम्मच हम शक्कर डालेंगे यानी चीनी, इसे मिक्स कर देंगे। और नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से इसमें भी, क्योंकि पहले नमक था इसमें गोश्त की यखनी में, और जब दूध डाला है तो उसी हिसाब से हमें नमक डालना है इसमें। और अब ने ये बोटियाँ हमने रख ली थी इसमें निकाल के, और उसमें यखनी डाल दिया। और ये जो खुशबू के लिए खड़ा मसाला दिखाया था हमने आपको, वो पीस लिया हमने। और उसमें से पूरा नहीं डालना है, बस ये सिर्फ 1/2 चम्मच हमने डाला है ये छोटे चम्मच से। और अब चावल की तह लगाएंगे हम इसमें, 1/2 चावल डालेंगे, 1/2 बाद में डालेंगे। ये बराबर कर देंगे इसको अच्छी तरह से इधर उधर। और जो रोगन निकाला था हमने गोश्त में से वो डालेंगे इसे, इसमें छन्ने से बराबर करते हुए डालेंगे, इसे हर तरफ पहुंच जाएगा। और अब प्याज जो फ्राई की थी अलग निकाली थी आधी हमने, वो डालेंगे इस पर। और ऑरेंज फूड कलर थोड़ा सा हमने ले करके इसे पानी में घोल लिया था, वो डाल देंगे। और अब बाकी के चावल भी इस पर डाल देंगे, इसको पूरी तरह से फैला के। फिर इस पर भी हम बाकी की बची हुई जो प्याज है वो डाल देंगे, और थोड़ा सा फूड कलर जो है ऑरेंज वो छिड़क देंगे। उसमें पानी में नहीं डालेंगे, ऐसे ही डालेंगे ऊपर से, और फूड कलर इस पर डाल देंगे, छिड़क देंगे अच्छी तरह से, पानी नहीं डालेंगे इसमें ऐसे ही। और रिफाइंड ऑयल इस पर डालेंगे, ये सब डाल करके अच्छी तरह से इसे छन्ने से पूरी तरह बराबर करके, और ढाक के, और इसको चढ़ा देंगे फुल फ्लेम पर। इसके नीचे तवा लगा देंगे दम पे रखने के लिए, और बंद करके इसके ऊपर कुछ वेट रख देंगे। और 10 मिनट तक पहले फुल फ्लेम पर रखेंगे, और उसके बाद स्लो कर देंगे फ्लेम, और 15-20 मिनट तक हम इसे दम पे पकाएंगे। 20 मिनट हो गए इसे, देखिए तैयार हो गई है बिरयानी हमारी। और इसे चेक करेंगे, देखिए इसमें पानी है क्या नहीं, नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो गया, पानी सूख गया। और अभी इसे चेक कर लेते हैं गले चावल के, नहीं चावल भी अच्छी तरह से गल गए। और ये देखिए कितनी अच्छी बिरयानी तैयार हुई है, कलर देखिए इसका, और बहुत अच्छा तैयार हो गई बिरयानी, बहुत ही खुशबू आ रही है इसमें। और हमने इसमें अंदर केवड़ा वाटर भी डाल दिया था, लेकिन आप दिखाना भूल गए हैं वीडियो में, और ये हमने डिश आउट कर दी। बहुत लजीज बिरयानी तैयार हुई है, लखनऊ की फेमस इदरीस बिरयानी तैयार हुई, बहुत अच्छी और टेस्टी है, और जितनी देखने में खूबसूरत लग रही है उससे ज़्यादा कहीं टेस्ट में है ये, और बहुत ही खुशबूदार बिरयानी तैयार हुई है। आप लोग इसे ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, और कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उससे आपको और भी अच्छी से अच्छी वीडियोस देखने को मिलेगी। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, उससे आपको हर नई वीडियो का मैसेज सबसे पहले पहुँचेगा। तो व्यूअर्स, अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। आप लोग खुश रहें, खैरियत से रहें, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।